नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। तो 4 मई को पहले चरण में होने वाले मतदान को लेकर सभी जिलों में तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है, जिससे लेकर सभी पोलिंग पार्टियां भी अब रवाना की जा रही हैं। गोंडा जिले में 3 नगर पालिकाएं और 7 नगर पंचायत है, जिनमें 173 वार्ड और 323 बूथ बनाए गए हैं। 262,316 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। तो वही गाजीपुर जिले में 3 नगर पालिकाओं, 5 नगर पंचायतों के लिए मतदान होगा। जिले में मतदान के लिए 266 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दूसरी ओर हरदोई में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर पाली कस्बे में प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियां भी पहुंचना शुरू हो गई हैं और मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता किए गए हैं। साथ ही मतदान केंद्रों पर स्वास्थ्य टीमों को भी लगाया गया है। तो यूपी में जो निकाय चुनाव होने हैं उसको लेकर तैयारी लगभग पूरी की जा चुकी है। गाजीपुर, हरदोई, गोंडा, प्रतापगढ़ और श्रावस्ती की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पोलिंग पार्टियों का पहुंचना भी लगातार शुरू हो चुका है। जनपद गोंडा में नगरीय निकाय के 10 निकायों में कल चुनाव प्रस्तावित है। उसमें 3 नगर पालिकाएं और 7 नगर पंचायत हमारे हैं। उस पोलिंग पार्टीज आज हमारे शहीद आजम भगत सिंह इंटर कॉलेज में आ रही हैं, अपना मतदान सामग्री कलेक्ट कर रही हैं और वो अभी अपने अपने निर्धारित मतदेय स्थल पर रवाना होंगे, जिसमें कि 323 पोलिंग पार्टीज हैं हमारी। उसमें से लगभग 277 ने अपनी अपनी सामग्री कलेक्ट कर ली है और धीरे धीरे करके बाकी सारी पार्टीज भी आई हैं। पोलिंग के मतदान के लिए हमारे लगभग 262,062,000 मतदाता हैं, जो 10 निकायों में मतदान अपना प्रयोग करेंगे। और जैसा मैंने पहले भी बताया है कि विभिन्न प्रकार के जो फोटो युक्त आईडी कार्ड हैं उसके द्वारा उनकी पहचान होगी और सभी जगह हम लोग निष्पक्ष शांतिपूर्ण चुनाव कराएंगे। कोई भी गड़बड़ी करने की भी अगर कोशिश करता है तो उसके खिलाफ हम लोग बिल्कुल कानूनी तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कल नगर निकायों का, हमारे यहाँ पर 19 नगर निकाय हैं, उनका कल मतदान की प्रक्रिया होनी है। इसमें हमारे जो तहसील मुख्यालय हैं वहाँ से आज पार्टियों की रवानगी हो रही है। कुल मिला के 506 मतदेय स्थलों पर ये मतदान कराया जाना है, जिसके लिए सभी जगह की पोलिंग पार्टियों को आज रवाना किया जा रहा है। इन सभी पोलिंग पार्टियों को उनके गंतव्य पे जो हमारी बसें हैं उनको अधिकृत करके उनके द्वारा रवाना किया जा रहा है। इस पूरे मतदान की प्रक्रिया के लिए 42 सेक्टर में और 21 जोन में पूरे मतदान क्षेत्र को विभाजित किया गया है और हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट लगातार भ्रमणशील रहेंगे। हमारे आरओज भी उसी निकाय क्षेत्र में मौजूद रहेंगे ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। जो हमारे मतदाता हैं वो, उनके पास जिनका भी नाम मतदाता सूची में है, वो अपना कोई पहचान पत्र दिखाते हुए मतदान की प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। हर बूथ पर सुरक्षा बल की तैनाती करी गई है। जो हमारा हर केंद्र है वहाँ पर वीडियोग्राफी की भी हमने व्यवस्था कराई है और जितने भी लोग ऐसे कुछ राजनीतिक तत्व थे उनके विरुद्ध 107-16 की कार्रवाई की गई है, शस्त्रों को जमा कराने की कार्रवाई की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कन्नौज के छिबरामऊ पहुंचे, जहां आते ही उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि इस चुनाव के बाद लोकसभा का चुनाव शुरू हो जाएगा, हम सब लोगों को बीजेपी को रोकना है। वहीं अपने बयान में अखिलेश यादव ने दलितों को भी साधने का प्रयास करते हुए कहा कि बीजेपी वाले आ जाएंगे तो आपके सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे, उन्हें रोकना है तो समाजवादी पार्टी की मदद करें। वहीं उन्होंने कहा है कि कन्नौज और छिबरामऊ के लोग अपने हैं, वो दिन हमें याद जब छिबरामऊ की गलियों में घूमकर वो वोट मांगते थे। वहीं उन्होंने इस बार जनता से साइकिल को तेज रफ्तार से दौड़ाने की भी अपील की है। कानपुर में निकाय चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी व्यापारिक सम्मेलन में पहुंचे। इस दौरान व्यापारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया और नंदी ने निकाय चुनाव से संबंधित बैठक करते हुए पार्टी को मजबूत करने का सभी से आह्वान किया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने वाले बयान पर जमकर निशाना साधते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस कर्नाटक में बजरंग बली को बैन करने की बात कर रही है, जबकि जनमानस ने तो उन्हीं को बैन कर दिया है। साथ ही उन्होंने इस निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत से जीतने का भी दावा किया है। हिंदुस्तान की तरक्की देखने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान की ऊंचाई भी देखने वाला हर व्यक्ति, 2014 से बदले हुए परिवेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। 2014 उठा के देखिए, 2017 उठा के देखिए, 2019 उठा के देखिए, 2022 देखिए। तो ये जो लगातार प्रचंड बहुमत यूं ऐसे ग्राफ बढ़ा है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं
कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास सिर्फ नहीं ये नारा, ये है उद्देश्य हमारा, ये धर्म। यूपी में नगर निकाय चुनाव है, ऐसे में मुस्लिम समाज भी भाजपा सरकार के समर्थन में खड़ा दिखाई दे रहा है। उन्हीं में मुस्लिम समाज के युवा दिलशाद, जो सहारनपुर के भिगलानी बिल्डिंग क्षेत्र के निवासी हैं, उन्होंने योगी सरकार की तारीफ की और कहा कि हमें अपने आप पर गर्व होना चाहिए कि योगी जैसा मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश की जनता को मिला है। योगी जी के साथ हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ, योगी जी सरकार बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है और करते रहेंगे इंशाल्लाह। उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि सहारनपुर सीट से डॉक्टर अजय कुमार सिंह को टिकट दिया है। कितने अच्छे तरीके से आते हैं, उनके लाखों आदमी उनके साथ हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत लोगों की मदद करते हैं योगी जी के साथ हूँ। तो वहीं सुल्तानपुर में नरेश उत्तम चुनावी जनसभा करने पहुंचे, जहां एक तरफ उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में साइकिल की लहर चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनावी जनसभा में कुर्सियां खाली दिखी। बता दें कि शहर के तिकुनिया पार्क में उनका कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। चल रही है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की नीतियों को, उनके कार्य व्यवहार को और उनके प्रत्याशियों के कार्य व्यवहार को जनता पसंद कर रही है और साइकिल पर मोहर लगा रही है। इससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे हो गई है। जो आगे का चरण है, इस चरण के चुनाव में आज ये पहला मेरा दौरा है सुल्तानपुर में। यहाँ मैं सुबह 5:30 बजे से हरदोई में सुबह जाम से लोगों को जूझना पड़ता है। घंटों बीतने के बाद भी वाहन चालक 1 किलोमीटर तक का सफर तक नहीं पूरा कर पाते हैं। स्कूली बच्चों से लेकर जवान और बूढ़े भूखे प्यासे जाम में फंसे हैं और बारिश के बाद भी लंबा जाम लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। 4 मई को नगर निकाय चुनाव का मतदान होना है। शहर में नुमाइश चौराहे से लेकर 52 रोड पर भीषण जाम लगा है, जो कि यातायात व्यवस्था की पोल खोलता हुआ दिखाई दिया है। हरदोई शहर में आज हम सांडी रोड स्थित में हैं, यहाँ पे सुबह से जाम लगा है। जबकि कल मतदान हो रहा है, नगर चुनाव होना है, सुबह से यहाँ भीषण जाम लगा हुआ है। आदमी परेशान है, सहालक भी है। हम इनसे बात करेंगे, कितनी देर से आप जाम में फंसे हुए हैं? 1.5 घंटे तक। अभी जाम नहीं खुली है? देखिए यहाँ पे जो राहगीर हैं, इनसे बात की गई तो बता रहे 1.5-2 घंटे से फंसे हुए हैं। लेकिन अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा पीछे से दिखाएं कितना लंबा जाम लगा हुआ है। करीब 2 से सुबह से जाम लगा हुआ, राहगीर से बात की गई तो बता रहे हैं 1.5-2 घंटे फंसे हुए हैं यहाँ पे। लगातार जितना भी लंबा देखा जा सकता है अच्छा लगा हुआ है आपको, हमारे कैमरा पर्सन से कह रहे हैं बराबर लगातार दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पे सहालक भी बहुत जोर से चल रही है, लगातार कल नगर निकाय चुनाव भी होना है, उसके मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे इतना भीषण जाम लगा है। सुबह से आप यहाँ पे देख सकते हैं नुमाइश चौराहे तक जाम लगा हुआ है। यहाँ पे जब बात की गई तो राहगीर बता रहे हैं सुबह से जाम लगा हुआ है। हर साथ ही कैमरामैन आनंद के साथ हरदोई। औरैया नगर पालिका आजकल काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, जहां पर एक लंबे समय से बीएसपी की राजनीति करने वाले परिवार रामजी शुक्ला और लालजी शुक्ला को बीएसपी से निष्कासित कर दिया गया है। बता दें कि रामजी शुक्ला का परिवार 2001 से राजनीति में आने के बाद से ही बीएसपी में रहा है। वहीं लालजी शुक्ला का कहना है कि पार्टी द्वारा निष्कासित करने पर पार्टी का निर्णय सर्वमान्य है। तो हम सबको परिवार के लोगों को ये नहीं मालूम था कि ये पिछड़ी जात की, बाद में जब जनता के द्वारा ये आवाज़ निकल के आई तब ये ऐसा लगा कि हाँ अपने घर में ही ऐसा एक कार्ड है, क्यों ना इसका प्रयोग किया जाए, सदुपयोग किया जाए और जनता के कहने पर, जनता के विश्वास पर भाभी को, श्रीमती नरेंद्र कौर को खड़ा किया। दूसरे चरण में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य औरैया जिला पहुंचे, जहां उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी की डबल इंजन की सरकार के साथ ही ट्रिपल इंजन सरकार बनाने की जनता से अपील की है। साथ ही मंच पर खड़े होकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि सपा बसपा और निर्दलीय प्रत्याशी अगर जीतता है तो बजट का रोना रोएगा, अगर भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार बनती है तो बजट का बहाना नहीं बनाएगा। और सपा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव से पहले ही सपा की साइकिल पंचर हो चुकी है, केवल भ्रष्ट होना बाकी है। गरीबों तक पहुंचाने की गारंटी है, हर घर तक नल से जल पहुंच रहा है, हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी की सुविधा दी जा रही है,
हर घर तक जहां अंधेरा था वहां उजाला बिजली पहुंचाई जा रही है, चारों तरफ खुशहाली है। सबने मिलकर के संकल्प लिया है कि सभी सातों नगर निकाय में कमल का फूल खिलाएंगे, और मैंने भी लोगों को आश्वस्त किया है कि डबल इंजन की सरकार को आप ट्रिपल इंजन बना दीजिए, और जो विकास की योजनाओं को आप भेजेंगे उसको प्राथमिकता के आधार पर सरकार, आपने पहले ही कमल की डबल इंजन की बनाई है, ट्रिपल इंजन बनाएंगे तो हर योजना का लाभ यहाँ के नगर निकायों तक पहुँचाने का। सर, वहाँ सपा विपक्षी जो है अपना दावा कर रहे हैं, कहा तो यूपी में जहां दूसरे चरण के चुनावों की तैयारी शुरू हो चुकी है, वहीं अब कांग्रेस भी धरातल पर उतरकर अपना पुराना वोट बैंक वापस लाने की कवायद करती हुई दिखाई दी, जिसको लेकर गाजियाबाद में कांग्रेस के कद्दावर नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस सिंबल पर चुनाव भी लड़ रहे हैं, और मेयर और पार्षद प्रत्याशी के हक में वोट डालने के लिए वार्डो में घूमते हुए नजर आए। साथ ही जनता से सफाई, गंदगी, जल निकासी, स्वच्छ जल और विकास को लेकर लोगों से अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि अगर इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी भारी संख्या में जीत कर आएंगे और गाजियाबाद शहर का विकास भी करेंगे। रणनीति लगती है कि आगे धरातल पर लोगों को धराशायी करेंगे और पार्टी, हम विकास के नाम पे जाएंगे, हम सफाई के नाम पे जाएंगे, हम हाउस टैक्स माफ के नाम पे जाएंगे, हम जो भी नगर विकास के तहत जो भी काम आते हैं उन सब को पूरा करने का वादा के साथ हम जनता के बीच में आए हैं। कल कर गाजियाबाद में आपने काफी कार्यक्रम करे, आप हमने बार-बार, तो क्या स्थिति कांग्रेस पार्टी की आपको देखने? देखिए, हमें मुझे बहुत अच्छी लगी। एक ये होता है लोग भाषण सुने, दूसरा ये होता है कि लोग दौड़ दौड़ के हाथ मिलाएं, गले मिलें, हमारे यहाँ चलो जी, हमारे यहाँ चलो जी, हमारे यहाँ चलो। फरीदाबाद में डब्बोपाली रोड पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने अवैध रूप से चल रही दो डाइंग यूनिटों के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई की है। सीएम फ्लाइंग ने गुप्त सूचना के आधार पर डब्बोपाली रोड स्थित अवैध रूप से चल रही दो डाइंग यूनिटों पर पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग के साथ मिलकर ये कार्रवाई की है। बता दें कि दोनों डाइंग यूनिट के संचालकों ने पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग से कोई भी NOC नहीं लिया हुआ था, जिसके चलते दोनों यूनिट संचालकों को पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग की तरफ से नोटिस दिया गया, जिसके बाद आगे की कार्रवाई भी अब की जाएगी। दो डाइंग की जो प्लांट हैं वो अनऑथराइज्ड रूप से चल रहे हैं, इसके आधार पर जो पोल्यूशन विभाग और स्थानीय पुलिस तथा विद्युत प्रसारण निगम की टीम जो है संयुक्त रूप से जब वहाँ रेड की, तो वहाँ दो कंपनी थी, जो MS शंकर के नाम से, एक JKM के नाम से है आमने सामने। तो जब पोल्यूशन विभाग ने चेक किया तो उन्होंने कोई परमिशन नहीं ली हुई थी, बिजली विभाग ने चेक किया तो बिजली का कनेक्शन कोई अनियमितता नहीं पाई गई, तो पोल्यूशन विभाग के द्वारा उन्हें नोटिस दिया गया है। दिल्ली में क्रूरता की सारी हदें पार हो गई है, जहां एक युवा को कुछ लोगों ने चलती कार से नीचे फेंक दिया जिससे उसकी मौत हो गई है। वहीं अब इस हादसे का वीडियो भी वायरल हुआ है जो कि इतना भयावह है कि किसी का दिल दहल जाएगा। दीपांशु वर्मा नाम का ये युवा गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में अपने माता पिता और बहन के साथ रहता था। वहीं अब युवक के परिजन इस मामले को लेकर न्याय की गुहार लगाते हुए नजर आए। फोन आया था उसका, मैंने कहा ठीक है, मेरे लिए खाना बना के रखना, मैंने कहा ठीक। उसके बाद एक सही 1:30 बजे हमारे पास फोन आया कि मेरा बेटा चला गया दुनिया से। मैम पता चला कि एक्सीडेंट का वीडियो देखा मैम आपने? मैं नहीं देख सकती हूँ, पता लगा उसकी डेथ हो चुकी है। तो जिस लड़के ने वीडियो बनाया था जो लड़का गाड़ी के पीछे भागा था, वो मुझे मिला और मुझे कहने लगा कि इनका 12 खंभा के पास एक्सीडेंट हुआ था और दीपांशु उछल कर गाड़ी की छत पे गिर गया। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश करी और उसके पीछे भागा, लेकिन वो गाड़ी वाला नहीं रुका। करीब 3 किलोमीटर दूर जाकर दिल्ली गेट के पास उसने गाड़ी को हिट कर बेटे को नीचे गिरा दिया, जिसकी वजह से उसका सर फट गया और डेथ हो गई। तो कंझावला केस के बावजूद भी दिल्ली की पुलिस ने लग रहा है कोई भी सीख नहीं ली है, यही वजह है कि एक बार फिर से क्रूरता की हदें पार करती हुई तस्वीरें एक बार फिर से दिल्ली से सामने आई है, जहां पर एक युवक की दर्दनाक मौत हो जाती है। कुछ युवकों द्वारा एक युवक को कार से फेंक दिया जाता है, जिसका वीडियो भी अब वायरल हुआ है, लेकिन ये वीडियो इतना भयावह है कि ये वीडियो हम अपने दर्शकों तक भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम TV।